ओके अब देखिए, जब मूविंग कॉइल है और रेजिस्टेंस उसकी दे रखी है 900 ओम एंड उसके जो गैलोनीमीटर में जो जा रहा है उसमें 10% जा रहा है, 10% गैलोनीमीटर में, ओके गैलोनीमीटर, एंड यहाँ पे संट लगा दिया और संट की वैल्यू पूछ दी, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज करो यहाँ से हमने आई करंट भेजा, कितना आई करंट सप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना आई माइनस, ओके सॉरी यहाँ पे पहले आई जी गया और आई माइनस आई जी यहाँ पे गया। अगर मैं इसको इस लूप लॉ लगाऊँ, लूप लॉ लगाऊँ तो क्या लिखूँगा, ध्यान ध्यान दीजिए, आई जी माइनस आई माइनस आई जी इंटू एस। ओके तो अगर मैं एस निकालूँ यहाँ से इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं एस निकालूँ यहाँ से तो क्या होगा, आई जी बाई आई माइनस आई जी, यही होगा आई जी इंटू जी डिवाइड बाई दिस वन। अब ये हमारा एक फार्मूला बन गया, अगर इसमें सारी वैल्यू हम पुट कर दें। अब देखो आई जी 90% नीचे बच जाएगा, तो एस आ जाएगा हमारा आई जी 10%, 10% में 0.1 इंटू जी की वैल्यू है 900 और ए आएगा 90%, ठीक है ना, ये आएगा 90%, 100 माइनस 10 तो 90%, ठीक है 90 माइनस 0.9, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट गायब, ओके और ये जीरो से, सॉरी कोई मतलब ही नहीं पॉइंट का इसका, तो तब पॉइंट था तो कोई जीरो का मतलब ही नहीं था, 0.9 हुआ था तो 0.9 तो एक कट जाएगा, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 ओम। ओके आंसर देखिए, आपका आंसर होगा 100 ओम, जो आपका ऑप्शन बी है।